अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर अल्ताफ और बात मैं करना चाहता हूं आज ये जो अवार्ड्स नॉमिनेशन हुई है ना 23 मार्च को, इसमें हमने देखा कि एक नाम आया है जिसको अवार्ड मिला है, इसमें महविश हयात। मैं तो कश्मीर से हूं, एक्चुअली मैं देखता हूं पाकिस्तानी ड्रामा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अक्सर ड्रामा, कुछ ड्रामा को छोड़ के बहुत अच्छे स्टोरीज होते हैं, मैं खुद फिल्में भी देखता हूँ। मगर मैंने सोचा, देखा कि एक एक्टर को अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड का नाम था, इम्तियाज़ पाकिस्तान, सितारे इम्तियाज, ठीक है, ये अवार्ड मिला है एक एक्ट्रेस को, तो जिसका नाम है महविश हयात, कुछ ऐसा ही नाम है। एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं रहते, तो मैंने चेक किया कि इसके बारे में बहुत कुछ लोग मतलब लिखते हैं कि ऐसी है वैसी है, तो मुझे पहले पता नहीं था पर्सनल लाइफ इसकी क्या है, तो मैंने सोचा मैं इसकी प्रोफेशनल लाइफ देखूँ, प्रोफेशनल लाइफ में इसने क्या काम किया है। तो जो ही मैंने चेक किया यूट्यूब पे, इसके वीडियोस देखे और बहुत सारे, और दाएं बाएं जहाँ से भी मैं देख सकता था मैंने देख ली, तो इसका एक वीडियो देखा मैंने, तो मैं हैरान रह गया यार, किस बात पे, आखिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, किस बात पे इसको ये अवार्ड मिला है। वो जो मैं एक वीडियो मैंने रखा है, जो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंत में, आप देखिएगा जरूर, तो मैं परेशान हो गया। इस औरत को, मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ इसकी अच्छी होगी बेहतरीन होगी, मुझे पर्सनल लाइफ से कोई, क्योंकि इसको ये प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ये अवार्ड मिला है, तो प्रोफेशनल लाइफ पे ही मैं बात करूंगा। ये तो बिल्कुल नंगा प्रणाम करती है, किस बुनियाद पे पाकिस्तान मतलब हुकूमत ने इसको अवार्ड दिया? क्या ऐसे लोगों को आप पाकिस्तानी लोग मतलब हुक्मरान बनाते हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? किन लोगों को आप वोट देते हो? अरे यार, बदनाम कर दिया अपने मुल्क को, इस्लाम के नाम पे जो बना था, इतनी लाशें गिरी थी हमारी जो मुसलमान थे शहीद हुए थे, और इस्लाम के लिए बना था ये पाकिस्तान, इसीलिए बना था ताकि जो नंगा प्रणाम करे, जो बेहयाई आम करे। मुझे ड्रामाओं से कोई टेंशन नहीं है, ड्रामा अगर अच्छे हो, जैसे मैंने वो एक देखा था, क्या नाम है उसका, खुदा और मोहब्बत, हाँ अच्छा स्टोरी अच्छी थी, हया वाली थी, उसमें अगर कल्चर पाकिस्तान का दिखाया गया था तो अच्छा है, इंसान एंटरटेन भी होता है और समझ भी आता है, नहीं एक मुस्लिम का कल्चर है। लेकिन इसने जो दिखाया है, इसमें क्या दिखाती है, वो मियाँ मियाँ कुछ करती हुई, वो वीडियो मैं इसमें अंत में आपको दिखाऊंगा, कि मुझे शर्म आ रही है कि इसको अवार्ड कैसे मिला। यार आप लोग हो करते क्या हो, सोचते क्यों नहीं यार, किन लोगों को अवार्ड दिलाया आपने? आप वीडियो देखिएगा, और अगर मेरी जबान थोड़ी तेज होगी तो ये माफ कीजिए, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस्लामी जमहूरी मुल्क में इस तरह का अवार्ड मिलना, एक ऐसी काम पे अवार्ड मिलना चाहिए। अगर अच्छा काम किया है कोई बात नहीं, शर्म हया के दायरे में काम किया है, एक्ट्रेस है, मुझे एक्टिंग से कोई मसला नहीं, ईरानी एक्ट्रेस तो देखो, वो तो सर से दुपट्टा भी नहीं हिलने दे, चलो ये दुपट्टा हिला देती है तो ठीक है, लेकिन आधा नंगा जिस्म करके इनको करने वाली लड़की को प्रोफेशनल वर्क में, पर्सनल, मैं पर्सनल पे नहीं जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर कोई पर्सनल, मुझे नहीं पता पर्सनल में बिल्कुल वो अच्छी होगी, मुझे उससे पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अवार्ड प्रोफेशनल लाइफ में मिला तो मैं प्रोफेशनल लाइफ पे ही बात करूंगा। क्योंकि वो जो इसने कुछ फिल्में भी बनाई, मैंने इसका भी एक ड्रामा देखा है दिल लगी, उसमें अच्छा काम किया इसने, लेकिन अब जब मैंने ये देखा, चेक किया, फिर इसने तो बहुत बुरे काम किए हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, यानी रोल किया, बुरा रोल किया है, तो वो दिखा क्या रही है लोगों को, या जिस डायरेक्टर ने इसको ये काम करवाया, इससे बेहतर तो अवार्ड इसको मिलना चाहिए था, शेब मंजूर को, शेब मंसूर, हाँ मंसूर साहब, शेब मंसूर साहब, जिसने बोल फिल्म जैसी बनाई या वरना बनाई, इतने बोल्ड टॉपिक्स पे फिल्म बनाने वाला, और उसकी फिल्में देखो, इतने मतलब देखने में परेशान होता है इंसान, मतलब कांप जाता है, लेकिन नंगापन कहीं नजर नहीं आता आपको, जो मतलब जहाँ पे वो दिखाना होता है वो मतलब लाइट ऑफ हो जाती है, बाकी कुछ समझ में इंसान को आता है यहाँ पे क्या होने वाला है, सीन कैसे होगा, तो उस तरह के सीन्स तो होते हैं, कहानी समझ में आ जाती है कैसे आगे बढ़ती, और परेशान करते इसको अवार्ड मिल गया यार, ये आप लोगों की शर्म की, आप लोगों के लिए शर्म की बात है यार, परेशान हो गया मैं, ये अवार्ड देख के इस लेडी को मिला है, मुझे इससे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, काम करती है तो ठीक है, अच्छा काम करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे जिसने कल्चर को ही बदनाम किया, एक मुसलमान हो या ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान के कल्चर का इसको एहसास होना चाहिए, मुझे नहीं पता मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, तो वो उसके अपना मसला है, लेकिन अगर इसने पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट नहीं किया तो अवार्ड क्यों मिला इसको, अगर इसने कल्चर को ही बिगाड़ दिया तो अवार्ड क्यों मिला? तो माफी चाहता हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी। अस्सलाम वालेकुम फिर से एक बार। मरना किसको जो अपना मुंह खोले, चप्पे चप्पे में सन्नाटा बोले।
रिलैक्स कर ले मस्ती तू मैक्स कर ले, गुटका मैं हूँ चबा ले, बाजा मैं हूँ बजा ले, मैं हूँ बोतल नशे की पियो और पिलाऊ, मुझे कहते हैं बिल्ली, हम मुझे कहते हैं बिल्ली, गुटका मैं हूँ चबा ले, बाजा मैं हूँ बजा ले, मैं हूँ बोतल नशे की पियो और पिलाऊ, मुझे कहते हैं बिल्ली, रे मुझे कहते हैं बिल्ली, पैरों में हर पगड़ा, सारे लाल भी पाल भंगड़ा।